अब मामला का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। जो गुरु हैं, जिन्हें एक समय में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब वही गुरु लेकर के स्कूल में आ रहे हैं। सब मारा। जब से ये टीचर वहां पे आता है, ये बच्चों को पढ़ाने के बजाय दरी बिछाकर वहीं पे सो जाता है। क्यों सोता है? कि एक मास्टर है जो कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीकर अक्सर स्कूल में आया करते हैं। बच्चे अक्सर परेशान थे मास्टर साहब से, और परेशान होकर के चप्पल से मास्टर साहब को भगा रहे हैं मारकर। फिर महिला हेडमास्टर कहती है, ये तो डेली लेट आते हैं। हाँ मैं लेट आता हूँ, ये मेरा बोतल है, ये पानी है, ये चखना है, आओ बैठ जाओ पी लो, पीना है तो आओ अंदर आ जाओ। कलेक्टर को बताओगे, डीओ को दिखाओगे, जाओ दिखा दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, शायद आपने भी यही सोच लिया। अमिताभ बच्चन का ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा, और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। शिक्षक जो हमारे समस्याओं के निवारण के लिए जाने जाते हैं, मगर कई मर्तबा यही शिक्षक हमारे समस्याओं के कारण बन जाते हैं। बिलासपुर का जो घटना था वो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या करते हो? टीचर हूँ। जेब में क्या रखे हो? बोतल है। अच्छा बच्चे देख रहे हैं, देखने दो। अच्छा आप डेली शराब पीते हैं क्या? हाँ डेली पीता हूँ। टेंशन है भाई, आओ तुमको पीना, तुम भी पी लो। ये कौन कहता है? ये शिक्षक की बोली है। शिक्षक का नाम क्या? शिक्षक का नाम है संतोष कुमार केवट, जो कि बिलासपुर के रहने वाले हैं। और बिलासपुर के मच्छा हाई स्कूल में ये पूरा मामला सामने आया था। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पत्रकार कहता है और स्कूल पहुंचता है, स्कूल में शिक्षक बढ़िया अपने जेब में एक छोटी सी बोतल रखे होते हैं, तो कहता है शिक्षक, वह पूछते हैं उनसे पत्रकार से, क्यों आए हो? बस माहौल देखने आया हूँ। आप जेब में क्या रखें? जेब में तो बोतल है। अच्छा तो आप डेली पीते हैं स्कूल में? हाँ डेली पीता हूँ। और फिर जा करके अपनी गाड़ी से कुछ चखना भी निकाल लेते हैं और कहते हैं, आओ अंदर आ जाओ। कलेक्टर को बताओगे, डीओ को दिखाओगे, जाओ दिखा दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये कौन कह रहा है? ये एक शिक्षक कह रहा है। और फिर जब पत्रकार पूछता है, आप महिला हेडमास्टर बैठी हैं बाजू में, फिर भी आप पी रहे हैं? फिर महिला हेडमास्टर कहती है, ये तो डेली लेट आते हैं। हाँ मैं लेट आता हूँ, ये मेरा बोतल है, ये पानी है, ये चखना है, आओ बैठ जाओ पी लो, पीना है तो। ये कौन कह रहा है? ये शिक्षक कह रहा है। तो सरकारी स्कूलों में एक तरफ जहाँ पर दावा होता है कि बहुत ही अव्वल दर्जे का पढ़ाई हो रहा है, और हम धीरे धीरे करके जो शिक्षा का स्तर है, जो शैक्षणिक स्तर है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, वहीं टीचर क्या कर रहे हैं? पौवा पी करके मदिरा प्रेमी बन करके स्कूल आ रहे हैं और बच्चों के सामने पी रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं टीचर, ये जो संतोष कुमार केवट जी हैं, भागो चलो भागो भागो, छुट्टी हो गई स्कूल, बच्चों को भगा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मामला तो पुराना हो चुका है, मगर एक नया मामला बस्तर ज़िले के पल्लीभाटा गाँव से आता है। पल्लीभाटा गाँव में एक छोटा सा प्राथमिक शाला है, प्राथमिक स्कूल है। वहाँ पर एक वीडियो जो है ट्विटर में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक मास्टर है जो कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि पी कर अक्सर स्कूल में आया करते हैं। बच्चे अक्सर परेशान थे मास्टर साहब से, और परेशान होकर के चप्पल से मास्टर साहब को भगा रहे हैं मारकर। और ये मास्टर साहब अपनी हीरो होंडा गाड़ी में चाबी लगाते हैं, जल्दी से ज्यों के त्यों गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जैसे वो भागते हैं, पीछे पीछे बच्चे भी चप्पल लेकर के उन्हें दौड़ाने के लिए लग जाते हैं और फेंकने लगते हैं। उसमें से कई बच्चे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, मगर उसी वीडियो से आवाज़ आती है, पीछे से कोई कहता है कि आले इनके मार। आप सुनिए वीडियो, ये वो वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा। एक व्यक्ति है जो पीछे से कहता है कि सब मारा, यानी कोई पीछे से बच्चों को ये हिदायत दे रहा है कि सब मिलकर के मारो, और फिर बच्चे उन्हें मारने लग जाते हैं। हालांकि जो पूरी कहानी सामने आ रही है वो इस प्रकार है कि पल्लीभाटा नामक एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पर तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राथमिक शाला में पढ़ाई किया करते थे। जब से ये टीचर वहाँ पे आता है, ये बच्चों को पढ़ाने के बजाय दरी बिछाकर वहीं पे सो जाता है। क्यों सोता है? क्योंकि ये धुत होता है नशे में धुत हो जाता है। जब बच्चे कहते हैं मास्टर साहब पढ़ा क्यों नहीं रहे, तो मास्टर साहब उनके गड़ियाने लगते हैं, यानी कि जो बच्चे टीचर से निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, वही टीचर बच्चों को गरियाता है, गरियाकर भगा देता है। एक दिन दो दिन तीन दिन बीत जाता है, बच्चे शिकायत अपने परिजन से करते हैं, फिर परिजन भी इस मामले को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। फिर बच्चे एक ठोस कदम उठाते हैं। कदम क्या उठाते हैं? जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बच्चे चप्पल से अपने ही मास्टर को मारने लग जाते हैं। हालांकि जब हमने जो बस्तर ज़िले के डीओ हैं जिनका नाम है भारती प्रधान, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो पहले तो उनका नंबर बंद आया। फिर हमने बस्तर का जो स्थानीय पत्रकार है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि हाँ हमने भी डीओ को फ़ोन किया था,
उन्होंने कहा कि इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है, पता लगाता हूँ, पता लगा करके आपको बताता हूँ। तो इस मामले में कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि खुद डीओ कह रहे हैं कि मैं जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं जांच के लिए लोगों को भेजा हूँ। क्या कुछ मामला रहेगा इसमें, मैं जांच के बाद आप लोगों के सामने लाऊंगा। मगर इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि शराब का जो सुरूर है वो किस प्रकार से लोगों के ऊपर हावी हो गया, कि लोग सिनेमा हॉल में पी कर जा रहे हैं, तो लोग कहीं घर में अपनी माँ के सामने पी कर जा रहे हैं, कुछ लोग पी करके हावी, होली भी था, गाड़ी चला रहे हैं। अब मामला का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। जो गुरु हैं, जिन्हें एक समय में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब वही गुरु लेकर के स्कूल में आ रहे हैं और बच्चे मजबूर हो जा रहे हैं गुरु को मारने के लिए। मगर इस मामले जब जांच हो जाएगा, जांच के बाद जब मामला पूरा सामने आएगा, तभी हम इसमें कुछ पटाक्षेप कर पाएंगे। हालांकि तो इसमें बात यह भी खड़ा होता है कि अगर टीचर बच्चे स्वेच्छा से टीचर को मार कर भगा रहे हैं या फिर कोई उन बच्चों को उकसा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो में एक आवाज़ भी आ रहा है, कोई व्यक्ति कहता है कि एक झाड़ यानी कि इनको मारो, तो बच्चे मारते हैं, हंसते हंसते भगाने लगते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर भी जांच होनी चाहिए, और टीचर जो पी कर आया है इस पर तो जांच होनी ही चाहिए। साथ ही साथ बच्चे स्वेच्छा से कर रहे हैं या फिर उन्हें मारने को कहा जा रहा है, इस पर भी एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी टीचरों को चप्पल से मारने की। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, आप केपी न्यूज़ में बने रहिएगा, और बाकी दोनों ही वीडियो हम आपको एंड में दिखा देंगे। धन्यवाद। सब मारा वो काम चल रहे, उसको देखने आए थे। देखो ना भाई, क्या देखना। आप कौन हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है, क्या काम है बताओ ना। तो टीचर आप स्कूल में ऐसी पी के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम इसको भी करें क्या? प्रधान पाठक खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं यार। हाँ हाँ, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आपको क्या करना। मैं रोज पीता हूँ। ऐसी आप कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे पास सब कुछ। अच्छा सर, ये गलत बात है ना, स्कूल में ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग देख रहे। देखो देख ले तो आपको क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। आप गवर्नमेंट जॉब में सर, आप शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है सीसी, हिसाब है मेरे पास, फोटो खींच लो। क्या नाम? पता नहीं सर, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आ रहे हैं स्कूल, ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से, आऊँ दो तीन घंटे हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो, खींच लो, ये मेरा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।